लोकसभा चुनावों से पहले विवादित बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया है। बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान मीसा भारती ने आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रामकृपाल यादव के हाथ काटने की बात कही। मीसा भारती ने कहा कि जब मैंने सुना रामकृपाल यादव बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके हाथ काट दूं। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने से पहले रामकृपाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में शुमार हुआ करते थे। मीसा भारती ने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी के कोई भी संभावित उम्मीदवार अपनी दावेदारी पर खुलकर बात ना करे। कार्यक्रम के दौरान मीसा भारती ने कहा वह इस बार अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में वह सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाई थी। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव 17 सालों तक लालू की पार्टी आरजेडी के साथ थे। बिहार की राजनीति में उनका काफी रसूख है। वह पटना के डिप्टी मेयर रहे और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। 4 बार लोकसभा सदस्य रह चुके रामकृपाल राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर मीसा भारती को हराया था। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।